हेलो एंड वेलकम टू प्रतिभा पाठशाला। मेरा नाम है कीर्ति सिंह और आज हम नाउन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है और नाउन के डिफरेंट टाइप्स, और लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बेस्ड ऑन नाउन सीखे थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो है कि आपको आज से ही कोलोकियल वर्ड्स का यूज़ बंद करना है। ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं, जो हम आमतौर पर बोलचाल में यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से गलत माना जाता है और इन्हीं वर्ड्स को एग्ज़ाम में कॉमन एरर में भी पूछ लिया जाता है। ये वर्ड्स सेंटेंस में होंगे और आपसे बोला जाएगा फाइंड द एरर, या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं। सेकेंड थिंग, कई एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी होता है जिसमें आपको एसे या लेटर लिखना होता है। अगर आप उस डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो वो एग्ज़ामिनर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता है, जिससे आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आज से ही यूज़ में नहीं लाना है, जिनका यूज़ आज से ही ख़त्म करना है। जो हमारा पहला वर्ड है वो है कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर का यूज़ गलत होता है। कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर की जगह आपको सिर्फ कज़न बोलना है। पिक पॉकेटर, जो पॉकेट से चोरी करे, उसे उसके लिए ये वर्ड होता है। और पिक पॉकेटर एक गलत वर्ड है। जो करेक्ट वर्ड है वो है पिक पॉकेट। दूसरा है गुड नेम। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से बोलते हुए कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, बट गुड नेम एक्सप्रेशन गलत है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग गुड नेम यू हैव टू यूज नेम। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी से नाम पूछना है तो यू सिंपली आस्क व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट इज बिग ब्लंडर। ये भी बहुत बार लोग यूज़ करते हैं, जबकि ये एक गलत एक्सप्रेशन है। ब्लंडर का मतलब ही होता है एक ऐसी मिस्टेक जो अपने आप में बड़ी है। तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, इसको यूज़ नहीं करना है। बिग ब्लंडर का यूज़ नहीं होता है, ये कॉमन एरर में भी पूछा जाता है। बिग ब्लंडर की जगह आपको सिर्फ ब्लंडर बोलना है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। अब ब्रीज जो होती है वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है विंड। तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज की जगह आपको स्ट्रॉन्ग विंड बोलना है। ब्रीज जो है वो आराम से चलने वाली काम हवा को बोला जाता है, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग विंड होता है। नेक्स्ट, बैड ड्रीम। बैड ड्रीम की जगह आपको नाइट मेयर बोलना है। नेक्स्ट, प्राउडी की जगह आपको प्राउड यूज करना है, और अकॉर्डिंग टू मी की जगह आपको इन माय ओपिनियन बोलना है। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, इन वर्ड्स को। कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर की जगह कज़न, पिक पॉकेटर की जगह पिक पॉकेट, गुड नेम की जगह नेम, और बिग ब्लंडर की जगह ब्लंडर। स्ट्रॉन्ग ब्रीज की जगह स्ट्रॉन्ग विंड, बैड ड्रीम की जगह नाइट मेयर, प्राउडी की जगह प्राउड, अकॉर्डिंग टू मी की जगह इन माई ओपिनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, इनका मीनिंग देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स जो हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। फ्लोर। फ्लोर और ग्राउंड में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। फ्लोर यूजुअली वो फ्लैट सरफेस होता है जो विद इन अ बिल्डिंग होता है, वहीं ग्राउंड जो होता है वो आउटसाइड अ बिल्डिंग। व्हेन यू वॉक आउट ऑफ अ बिल्डिंग, तो जो फ्लैट सरफेस होगा वो ग्राउंड कहलाया जाएगा। मतलब फ्लोर का मतलब फ्लैट सरफेस ऑफ अ रूम या बिल्डिंग। वहीं ग्राउंड को हम बोलेंगे सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे आपने देखा होगा कि कई बच्चे बोलते हैं कि ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ग्राउंड क्या है? बिल्डिंग के बाहर जो फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ है उसके लिए हम ग्राउंड यूज करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, स्किल और टैलेंट। स्किल क्या होता है और टैलेंट क्या होता है? टैलेंट वो होता है जो आपको नेचुरली बर्थ से ही मिला होता है। जैसे कई लोगों का सिंगिंग टैलेंट होता है, वॉइस उनकी इतनी अच्छी होती है तो वो बाय बर्थ मिली होती है। वही स्किल का मतलब होता है एक ऐसा एक्सपर्टीज जो हम सीखते हैं विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो स्किल का मतलब हुआ दैट वी एक्वायर बाय लर्निंग, और टैलेंट को हम बोलेंगे नेचुरल एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है एनवी और जेलस। एनवी मतलब होता है अ विश टू पजेस समथिंग, मैं समथिंग को शॉर्ट में STH लिखती हूं, दैट समवन हैज, मतलब जो चीज किसी और के पास हो और आपको ऐसा विश हो कि काश मेरे पास होती, तो वो एनवी हो गया। वही जेलेसी एक फियर होता है ऑफ लूजिंग what you have, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। अब कभी भी सेंटेंस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, पहले लिखा हो नाउन, फिर लिखा हो प्रेपोजिशन और फिर लिखा हो सेम नाउन, तब उस केस में ये जो नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन का मतलब आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब स्थान, मतलब कोई भी वर्ड जो किसी वर्ड से पहले आए। प्रीपोजिशन क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे चीज़ का, मतलब किसी दूसरे चीज़ से रिलेशन बताए। जैसे कि मैं बोलूँ आई एम इन द क्लास, आई क्या है? प्रोनाउन है, और क्लास को आप नाउन या ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो मेरा और क्लास के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो है इन। यही इन जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, मतलब मैं क्लास के अंदर हूं, ठीक है। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। तो मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी सेंटेंस में ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, पहले नाउन हो, फिर उसके बाद कोई प्रीपोजिशन हो, फिर उसके बाद सेम नाउन रिपीट हो, तो नाउन किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं हम। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। नाउ यहाँ पे आफ्टर क्या है हमारा? यहाँ पे आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, और शिप क्या है? नाउन। फिर प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हुआ, इसलिए नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। यहाँ पे डोर फिर हमारा नाउन हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, और अगेन सेम नाउन रिपीट हुआ है। तो नाउन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? सिंगुलर फॉर्म में। वैसे ही टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवेस्टेटेड, यहाँ पे टाउन क्या है? नाउन, आफ्टर प्रीपोजिशन और फिर टाउन नाउन, इसलिए टाउन किस फॉर्म में है? नाउन किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। और यही एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या करते हैं कि टाउन आफ्टर टाउन की जगह टाउन्स आफ्टर टाउन्स बोलेंगे, लिख देंगे, और आपको एरर ढूंढना होगा। वैसे डोर टू डोर की जगह डोर्स टू डोर्स, शिप आफ्टर शिप की जगह शिप्स आफ्टर शिप्स कर देंगे, ठीक है। ये इस रूल को अच्छे से याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब भी सेंटेंस में कॉमन जेंडर नाउन यूज किया जाए, कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है? ये मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दिया था। कॉमन जेंडर नाउन वो नाउन होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम यूज किया जाए, उस नाउन को हम कॉमन जेंडर नाउन बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, ऑथर, टीचर, राइटर, स्टूडेंट, चाइल्ड। ऑथर हम फीमेल ऑथर के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेल ऑथर के लिए भी यूज कर सकते हैं। वैसे टीचर फीमेल टीचर के लिए भी यूज किया जाता है और मेल टीचर के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब कहने का मतलब जो दोनों मेल और फीमेल के लिए जो सेम कॉमन नाउन होगा वो कॉमन जेंडर नाउन होगा, ठीक है। तो सेंटेंस में कहीं भी आपको कॉमन जेंडर नाउन दिख जाए तो उसके लिए जो प्रोनाउन होगा यूज में आएगा वो आएगा ही, हिज और हिम। अगेन प्रोनाउन क्या होता है? ये प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ये सब हम अलग से सेपरेट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं बता दूं, प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन के जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुझे बोला जाए कि मुझे राम के बारे में बताना है, राम कोई लड़के के बारे में बताना है, तो मैं कैसे बोलूँगी? अगर प्रोनाउन नहीं होता तब कैसे बोलती? राम इज़ अ बॉय, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम स्टडीज़ इन XYZ स्कूल। अब ये राम को बार बार यूज़ करने से थोड़ा इम्प्रेसिव नहीं लग रहा, तो इसीलिए प्रोनाउन को लाया गया टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो क्या हो गया प्रोनाउन? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे आते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब भी कॉमन जेंडर नाउन सेंटेंस में आए तो उसके लिए प्रोनाउन कैसा यूज करेंगे, ही, हिज और हिम। सेंटेंस से समझते हैं, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे लीडर क्या है हमारा? कॉमन जेंडर नाउन, और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो है हिज। ठीक है, रूल में यही बोला गया ही, हिज और हिम यूज करना है, तो ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। वैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। टीचर एक कॉमन जेंडर नाउन है और इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया वो ही यूज किया गया, इसलिए ये सेंटेंस एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं, हाइफोनेटेड नाउन डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। कहने का मतलब है कोई भी नाउन जिसके बीच में ये हाइफन लगा हो उनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, उनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। जैसे कि ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, मैंने बोला कि प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है इनका, हाइफेनेटेड नाउन का, बट मैंने यहाँ पे ये जो नाउन है 100 रुपीज, इसमें रुपीज़ को तो मैंने प्लूरल बना दिया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यूजुअली जो नाउन होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करते हैं, मतलब ये तो प्लूरल हो गया, तो ये रूल के अकॉर्डिंग गलत हो गया। इसको सही करना है तो रुपीज़ की जगह आपको रुपी लिखना होगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। अब ये हाइफनेटेड नाउन हो गया, हाइफन लगा है, बट यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एस लगा है, मतलब प्लूरल है, तो इसको करेक्ट बनाने के लिए आपको 5 स्टार्स की जगह 5 स्टार करना पड़ेगा, तब ये रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कभी भी किसी नाउन के आगे डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव आ जाए, पहली बात तो एग्जेक्टिव क्या होता है? एग्जेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताए, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड एग्जेक्टिव होता है, और डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव क्या होता है, मतलब 1, 2, 3 इसको डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव बोलते हैं। ये सब हम एग्जेक्टिव में पढ़ेंगे, एग्जेक्टिव चैप्टर में। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स को बोलते हैं। तो कुछ सर्टेन नाउन के आगे अगर डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव आ जाए तो जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। कौन कौन से नाउन है? ये है 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस। ये नाउन जो हैं ये यूजुअली, ये कौन से नाउन हैं आप देख के भी समझ रहे हैं कि ये यूनिट्स ऑफ मनी भी हो सकते हैं, यूनिट्स ऑफ वेट, कुछ भी, यूनिट्स ऑफ टाइम, एनीथिंग एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब किसी भी इस टाइप के नाउन्स अगर आपको सेंटेंस में दिखें, 100, डजन, 1000, बिलियन, मिलियन, पेयर, स्कोर, ग्रॉस, उनके पहले अगर डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव आ जाए, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसको सेंटेंस के थ्रू अच्छे से समझते हैं, ही हैज ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज। ठीक है, तो ये 5 क्या है हमारा? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया 1, 2, 3, 4 ये क्या है? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये आ गया नाउन। इस नाउन को हमने सिंगुलर फॉर्म में रखा है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस एकदम सही है। वैसे ही दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी परचेस्ड 3 डजन पेंसिल्स। डजन यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है, तो ये एक नाउन है, इसके आगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, इसलिए ये नाउन क्या हो गया? सिंगुलर फॉर्म में हो गया। ये याद रखना बात, क्या होता है यूजुअली कि अगर हम 2 लिखते हैं तो आगे कैसे नाउन लगाते हैं? प्लूरल नाउन लगाते हैं, 2 बॉयज, 3 गर्ल्स, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये रूल याद रखना पेपर में कि डेफिनेट किसी नाउन के आगे, ये यूनिट्स ऑफ मनी, यूनिट्स ऑफ वेट एक्सेट्रा, ऐसे टाइप के नाउन्स के आगे अगर डेफिनेट न्यूमरल एग्जेक्टिव आ जाए तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन कभी भी सेंटेंस में ऑफ दिख जाए तब ये नाउन्स कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, सिंगुलर की जगह प्लूरल हो जाएंगे। ऑफ नहीं है तो नाउन सिंगुलर है, ऑफ है तो नाउन प्लूरल है। जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, तो ये ऑफ के वजह से ये नाउन कैसा हो गया हमारा, प्लूरल में चेंज हो गया। वैसे ही आई हैव 2 pairs ऑफ शूज, यहाँ पे ऑफ आ गया इसलिए ये नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसको ध्यान से समझिए, अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो मैं फिर से बोलती हूँ, पहले भी बोला है कि अगर कोई बात समझ ना आए तो वीडियो को फिर से दोबारा से स्टार्ट करिए और ध्यान से सीखिए इन सब बातों को। इन्हीं सब पे बेस्ड कॉमन एरर्स पूछा जाता है और यही सब आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी मिस्टेक्स करने से बचना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। गुड बाय टिल देन।